हेलो नाइन्थ क्लास, आज हम हिंदी की वर्कशीट नंबर 37 पर चर्चा करेंगे। इसमें आपको एक पठित गद्यांश दिया गया है जो पाठ प्रेमचंद के फटे जूते से लिया गया है। ये प्रेमचंद के फटे जूते नामक जो आपका पाठ है, ये हरीश शंकर परसाई जी ने लिखा है और इस पाठ के माध्यम से वो वर्तमान समय में समाज में जो दिखावे की प्रवृत्ति है उस पर व्यंग कस रहे हैं, उस प्रवृत्ति को उजागर कर रहे हैं कि कैसे लोग अपनी अंदरूनी असली बातों को छुपा लेते हैं और केवल दिखावे की दुनिया में जीते हैं। उसी दिखावे की दुनिया को हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ से दिखाया है। यहाँ पे आपको एक गद्यांश दिया गया है जिसे आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि जब अच्छे से तरह से पढ़ोगे तभी आप इसके आंसर दे पाओगे, जवाब दे पाओगे। यहाँ वो शुरू करते हैं। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना ही खिंचाते। फ़ोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। यहाँ वो कहते हैं, हरिशंकर परसाई प्रेमचंद जी के बारे में कहते हैं कि वो एक बार बाज़ार में फ़ोटो खिंचवाने के लिए गए थे, तो उन्होंने जब उनसे दुकान पर देखा तो देखा कि उनके जूते तो फटे हुए थे। तो वो सोचते कि भाई जब इंसान फ़ोटो वोटो खिंचवाने जाता है, कहीं पे अपनी फ़ोटो खिंचवाता है तो अच्छे से सज धज कर संवर कर दिखाता है, अंदर से बेशक कितना दुखी हो चेहरे पर मुस्कान लेकर आता है और अच्छे अच्छे कपड़े लत्ते पहनकर तब फ़ोटो खिंचवाता है। लेकिन वो देखता है कि प्रेमचंद जी तो ऐसे ही फ़ोटो खिंचवाने के लिए चल दिए, उनके जूते तो फटे हुए थे। तो वो यहाँ पर यही व्यंग कसते हुए कहते हैं कि फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते ही पहन लेते या ना ही फ़ोटो खिंचाते। यानी अगर जूते ढंग से नहीं पहन सकते थे तो ना फ़ोटो खिंचाते, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा था एक फ़ोटो ना होती तो, और फ़ोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था। तो कहते हो सकता है कि इनकी पत्नी ने आग्रह किया हो, जिद की हो कि भाई चलो नहीं आज तो हम फ़ोटो खिंचाने जाएंगे, और वो भी अच्छा भाई चल कहकर चल दिए हों। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने की भी जूते ना हो। तो हरिशंकर परसाई कहते हैं लेकिन ये तो एक बहुत बड़ी ट्रेजडी यानी दुखद बात है कि एक आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने के जूते भी नहीं है, क्योंकि वो तो चारों तरफ देखते हैं कि जहाँ भी कहीं लोग हैं बड़ा ही दिखावा करते हैं और ऐसे फटे पुराने कपड़े या जूते चप्पल जो हैं वो तो घर में पहनते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो बड़े सज धज कर निकलते हैं, और ख़ासकर जब फ़ोटो जैसी चीज़ खिंचवाने जा रहे हैं बाहर, क्योंकि पहले आजकल की तरह कैमरे तो होते नहीं थे कि घर में जहाँ चाहे हमने फ़ोटो खिंचवा ली या मोबाइल में फ़ोटो खींच ली। उस समय तो प्रॉपर तरीके से पूरी तरीके से बाहर फ़ोटो खिंचवाने के लिए जाना पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ वो कहते हैं कि अगर भाई फ़ोटो खिंचवाने के लिए जा रहे हो, यानी स्पेशल ओकेशन है फ़ोटो खिंचवाने का, अगर उसके लिए जा रहे हो तो अच्छे से जूते ही पहन लेते। तो कहते हैं बहुत बड़ी ट्रेजडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने के लिए भी जूते ना हो। मैं तुम्हारी ये फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। तो हरिशंकर परसाई कहते हैं कि भाई तुम्हारी फ़ोटो में यह हालत देखकर ऐसा जी कर रहा है कि इसका मतलब तुम्हें अंदर से कितना दुख है, कितना कलेश है, कितनी तंगी है, और तुम्हारी ऐसी हालत देखकर रोने को जी कर रहा है। मगर तुम्हारी आंखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तीखा दर्द भरा व्यंग, यहाँ वो कहना चाहते हैं तीखा दर्द भरा व्यंग यानी समाज के प्रति वो प्रेमचंद जी अपने जूते के माध्यम से समाज के प्रति एक व्यंग कस रहे हैं कि बेशक समाज कितना ही दिखावे की प्रवृत्ति में आ जाए मगर वो इस दिखावे में नहीं जी रहे। तो उनकी आंखों में तीखा दर्द दिखाई दे रहा है कि मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा चाहे बाकी का समाज कितना ही बदल जाए। तो कहते हैं कि मगर तुम्हारी आंखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वरदिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते, लोग तो इतर चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं। तो यहाँ हरिशंकर परसाई कहते हैं कि प्रेमचंद जी जो हैं वो अपने फटे जूते पहन कर ही फ़ोटो खिंचवाने आ गए, इसका मतलब उन्हें फ़ोटो खिंचवाने का महत्व ही नहीं पता। क्योंकि लोग तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए, वो कहते हैं कि अगर उन्हें महत्व पता होता तो वो अच्छे से फ़ोटो खिंचवाने आते, अच्छे से सज धज कर अच्छे कपड़े जूते पहन कर फ़ोटो खिंचवाने आते,
क्योंकि लोग तो फोटो खिंचवाने के लिए कपड़े क्या और जूते क्या, लोग तो बीवी तक उधार मांग लेते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। तो क्या प्रेमचंद जी फोटो खिंचवाने के लिए जूते भी उधार नहीं मांग सकते थे? तो यहाँ इस तथ्य से कहते हैं कि वो फोटो का महत्व ही नहीं जानते। बच्चों, इस गद्यांश के माध्यम से कायदे में जो हरिशंकर परसाई हैं वो समाज के दिखावे की प्रवृत्ति के प्रति व्यंग कस रहे हैं, और साथ ही ये बता रहे हैं कि समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं प्रेमचंद जी जैसे, जो समाज चाहे कितना भी बदल जाए लेकिन वो अपने आप को नहीं बदलते। समाज में चाहे कितना ही दिखावा आ जाए, उनमें दिखावे की भावना नहीं आती, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो प्रेमचंद जी के पास अगर जूते नहीं थे तो नहीं थे, वो जैसे फटे हुए जूते थे उसको पहन कर ही फोटो खिंचाने आ गए। उसके लिए उन्होंने अपने आप को बदला नहीं या उधार के जूते नहीं पहने। ठीक है, तो इस गद्यांश के माध्यम से हरिशंकर परसाई जो हैं वो समाज के दिखावे की प्रवृत्ति के प्रति एक व्यंग कस रहे हैं। अब हम आते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर। लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि प्रेमचंद फोटो का महत्व नहीं समझते? हमने अभी पढ़ा, वो क्या कहते हैं कि अगर फोटो का महत्व समझते तो भाई अच्छे से सज धज कर फोटो खिंचवाने आते, क्योंकि लोग तो मांगे हुए कोट से वर दिखाई करते हैं। वर दिखाई करते हैं यानी शादी ब्याह में चले जाते हैं, मांगे कि मोटर से बारात ले आते हैं, उधार की गाड़ी खरीद कर उसमें बहू को बैठा कर ले आते हैं, और फोटो खिंचाने के लिए बीवी तक मांग ली जाती है, इत्र लगा कर फोटो खिंचाते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी तो ऐसे ही उल्टे सीधे जूते, फटे जूते पहनकर आ गए, इसका मतलब उन्हें फोटो खिंचाने का महत्व ही नहीं पता। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि प्रेमचंद की आंखों में लेखक को क्या दिखाई देता है? तो हमने ये पढ़ा था, वो क्या कहते हैं कि तुम्हारी आंखों का, यहाँ पे ये लाइन देखो, तुम्हारी आंखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे रोक देता है। तो यानी उनकी आंखों में उन्हें क्या दिखाई देता है? तीखा दर्द भरा व्यंग। प्रेमचंद की आंखों में हरिशंकर परसाई को तीखा व्यंग भरा व्यंग दिखाई, दर्द भरा व्यंग दिखाई देता है। तीखा दर्द भरा व्यंग यानी समाज के प्रति एक दर्द दिखाई देता है कि देखो लोग कितना दिखावा कर रहे हैं, दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं और अपने असलीपन को भूल चुके हैं। तो प्रेमचंद की आंखों में उन्हें क्या दिखाई दिया? तीखा दर्द भरा व्यंग। तीसरा क्वेश्चन आता है, जो लोग फोटो का महत्व समझते हैं वे फोटो कैसे खिंचाते हैं? फोटो खिंचाने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं? तो यहाँ हमने पहले ही पढ़ा कि जब हरिशंकर परसाई कहते हैं कि फोटो खिंचाने के लिए लोग मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं, मांगे की मोटर से वधू को ले आते हैं, बीवी तक मांग ली जाती है, इत्र चुप कर कर फोटो खिंचाते हैं। ठीक है, आपका इसमें यह आंसर आ जाएगा कि फ़ोटो कैसे खिंचाते हैं, और साथ ही इसमें आपसे ये पूछा गया है कि फ़ोटो खिंचाने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं। तो इसमें आप अपने विचार रखोगे कि जब आप कहीं फ़ोटो खिंचवाने जाते हो या सेल्फी लेते हो तो आप किस तरह से तैयारी करते हैं, जैसे कि अपना अच्छा सा मुंह बनाओगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छे जूते पहनोगे और एकदम ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय की तरह दिखना पसंद करोगे। अगला क्वेश्चन आया आपका, लेखक किस ट्रेजडी की बात कर रहे हैं? तो यहाँ हमने ये पढ़ा था कि लेखक जो है वो क्या कहता है कि यह कितनी बड़ी ट्रेजडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को जूते तक नहीं है। तो किस ट्रेजडी की बात कर रहे हैं हरिशंकर प्रसाद यहाँ पर, कि ये कितनी बड़ी ट्रेजडी है कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए, दुख भरी बात है कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते तक नहीं है। यानी एक दुख की बात है कि जब हम बाहर की दुनिया में जा रहे हैं तो दिखावा उसमें नहीं है, बल्कि असलियत में वो जैसे हैं अपनी असल ज़िंदगी में वैसे ही आ गए हैं। तो यहाँ लिखा कहता है कि कितनी ट्रेजरी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने के भी जूते ना हो, कि उसके पास दिखावे के लिए कुछ है ही नहीं। उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने समाज में व्याप्त खोखलेपन और दिखावे को दर्शाया है, क्या आज भी समाज में ये प्रचलन जारी है? तो आप क्या जवाब दोगे इसका, खुद सोच कर बताओ। आज भी अगर हम देखें तो आज भी ये दिखावेपन की खोखली दुनिया हमें हर जगह दिखाई दे जाती है। हर जगह आदमी, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे वो उनका किसी से बात करने का तरीका हो, हर जगह दोगलापन दिखाई देता है, खोखलापन दिखाई देता है। ठीक है, और लोग भी सामने से जो आदमी दिख रहा है उसके दिखावे को देख कर ही उससे बातें करते हैं।
आप भी अगर देखो तो कोई अगर एक अच्छा सा इंसान जा रहा है तो उसे सर या मैडम प्लीज़ कह के बात करोगे, लेकिन एक फटे कपड़े पहनकर अगर कोई जा रहा है तो उससे बदतमीजी से बात करोगे, ओए उधर ये सुन, ओए ये क्यों नहीं कर रहा। या खुद ही देखो, अगर एक मोटर गाड़ी से आप टकरा जाते हो तो सॉरी सॉरी कह दोगे, लेकिन अगर रिक्शा से टकरा गए तो उसे गालियां दे दोगे कि तुझे ढंग से चलाना नहीं आता क्या। तो हम भी एक दोगलेपन की दुनिया, खोखलेपन की दुनिया, दिखावे की दुनिया जी रहे हैं। लोग जिससे अच्छे कपड़े पहने हों, दिखने में अच्छा लग रहा, चाहे उसका व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन उसके प्रति सम्मान की दृष्टि रखते हैं, और एक ऐसा इंसान जिसने गंदे मैले कुचैले कपड़े पहने उसके प्रति वो सम्मान की दृष्टि नहीं रखते। ठीक है, तो इस तरह इस गद्यांश के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के फटे जूते के माध्यम से समाज के खोखलेपन, दिखावटीपन की दुनिया को दर्शाने का प्रयास किया है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये गद्यांश समझ में आ गया होगा और आप अपना इसके माध्यम से अपना ये पूरी वर्कशीट जरूर कर लोगे। बेस्ट ऑफ लक, बाय।